Good morning. This is another part of my heart talk, which I'm talking after a long time. My heart talk, and I talk a lot, but basically my heart talk. So generally these heart talks happen when I do some kind of activities where I am on myself, like running is one thing that I'm on with myself. So today while I was running, just a very common factor which we all keep on talking about, a human trait, ego came in my mind. That ego hai kya? What is ego? In Hindi we may say it ahankar, or in other ways some people, just to cut the heavy word ahankar, they would say that no, it's a kind of my self-respect. So I feel we all have egos, and that's a very common non-debatable fact. So कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे हमारे बचपन की यादें, या जिस तरह से हम बड़े हुए उसके साथ, जवानी में भी, टीनेजर्स में भी, कॉलेजेस में भी, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे साथ जिसमें हमें लगता है कि हमें कुछ वैलिडेशंस नहीं मिलते हैं लाइफ में. यानी मैंने कुछ किया है उसका कुछ वैलिडेशन, यानी आप समझ रहे हो, लाइक काइंड ऑफ कि आपने अच्छा किया है, वेरी गुड, ओके, अप्लॉज, वैलिडेशन एट्सेट्राज मिले नहीं है. तो उस चीज़ में इंसान की कॉन्फिडेंस ना कभी कभी कम होने लगता है, विच शुड नॉट बी आइडियली, ओके, बिकॉज आखिर में आप कुछ करते हो अपने लिए और आपको उसमें एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यू आर सो हैप्पी एंड दैट इज़ योर वैलिडेशन. वॉट एल्स डू यू नीड? दुनिया तो ठीक है, ऊपर नीचे बोलते रहेंगे, समटाइम्स दे से टू प्लीज यू, समटाइम्स दे जस्ट से दैट ओके चलो नहीं बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, समटाइम्स दे से टू यू एज अ गुड विल. सो एनीथिंग देर इज एन इंटेंशन, बट द रियल एप्लॉज और वैलिडेशन इज वेन यू योर सेल्फ और आई माई सेल्फ फील दैट चलो मैंने आज कुछ किया. एंड उसकी के साथ जो ईगो चीज़ है वो होता है अपोजिट वैलिडेशन की, मतलब मैंने किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, किसी ने मेरे मुझे कुछ ऐसा, सो आई टेक इट ऑन माई सेल्फ. और सब फिर वही इंसान बोलेगा, नो नो, दिस इज़ नॉट ईगो, दिस इज़ यू हैव हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट. भाई सामने वाले का भी रिस्पेक्ट देखना चाहिए और अपना भी रिस्पेक्ट देखना चाहिए. हो सकता है किसी ना किसी तरीके से आपने ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ किया है जो सामने वाले इंसान को उसके नज़रिया से लगा कि आपने उसके लिए कुछ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट बोल दिया है. सो इफ़ दैट पर्सन कम्स एंड क्लियर्स इट आउट, इट इज़ हिज और हर्स क्लियर माइंड दैट शी और ही डजंट कीप एनीथिंग इनसाइड एंड शी क्लियर्स इट आउट विद द अदर पर्सन विद नो इंटेंशन ऑफ एनी हर्ट फीलिंग. हो सकता है कि दैट इंसान को जिसने आपने कुछ बोला है और दैट पर्सन हुम यू हैव स्पोकन टू has taken you in a wrong way. So it is a basic right or a basic, I think a normal behavior of a mature person to go and clear it out. इसमें किसी का ego hurt नहीं होना चाहिए. वो इंसान बोलेगा नहीं, उसने respect तो दिया नहीं और ego hurt हो रहा है, तो इसके वजह से उनके दिमाग में या दिल में बोल सकते हैं कि एक जैसे एक उनको एक हर्ट फीलिंग हो जाता है या घाई हो जाता है. सामने वाला इंसान निकल भी जाता है लेकिन वो उस चीज़ को पकड़ के ही रख देता है. जैसे फॉर मी ऑल्सो, यू ऑल्सो, इफ आई एम हर्ट आई विल कीप द फीलिंग विथ मी फॉर एवर, बट दी पर्सन विथ हुम यू आर रिलेटिंग टू डू हैज मूव्ड ऑन, आगे चले गए, भूल गए, या जो भी खत्म हो गया वो किस्सा. तो मेरा कहने का वही मतलब है, जो अपने दिमाग में ये जो टॉक्स चलते रहते हैं कि वो इंसान क्या समझ रहा है, वो इंसान क्या बोल रहा है मेरे बारे में, वो इंसान क्या कर क्या रहा है, वो ऐसा ही कर रहा है बिकॉज शायद मेरे में कुछ खामियां है. व्हाई डू यू सेल्फ डाउट? एंड सेकेंडली इज दैट, व्हाई इज दैट ईगो ऑलवेज फ्लेयरिंग अप इनसाइड यू?
कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिसमें जीरो ईगो है. जो इंसान बोलता भी है ना, नहीं मुझ में तो कुछ ईगो है ही नहीं, मैं वैसे ही नहीं हूँ, वही फर्स्ट साइन है बोलने का कि मुझ में ईगो है. ठीक है, मैं बोलती हूँ मेरे में ईगो है, ठीक है, बट आई ट्राई टू कीप इट एज काम एज पॉसिबल बिकॉज आई फील दैट एट द एंड ऑफ द डे कोई किसी के लिए कुछ बुरा चाहता नहीं, इंसान हमेशा अच्छे होते हैं. हालात उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए शायद मोटिवेट कर देता है कि वो कुछ ऐसा कुछ कर ले कि जिसको सामने वाला इंसान को लगे कि वो इंसान ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है. बट द ट्रूथ इज़ दैट कोई भी इंसान यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं. बट द थिंग इज़ दैट अपने हालातों के शिकार में वो कुछ ऐसा बिहेवियर करता है आपके साथ कि जिसकी वजह से वो आपको एहसास होता है कि उसने सही नहीं किया मेरे साथ. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ घूम रहा है या दिल में जिसके वजह से आपका ग्रोथ रुक रहा है, उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए. आखिर में क्या है कि वी फॉरगिव वी फॉरगेट एंड वी ऑलवेज से हाँ आई हैव फॉरगिवन आई हैव फॉरगिवन बट आई विल नॉट फॉरगेट. भाई फॉरगेट इज़ द मेन थिंग, फॉरगिव एंड फॉरगेट. जब तक आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपका वो जो मटका है ना, सोच का मटका जिसको बोलते हैं हम ब्रेन, मैं तो इसे एक मटका ही बोलती हूँ, वो खाली कैसे होंगे नए नए आइडियाज़ आने के लिए. तो पुराने चीज़ों को घस के निकाल डालिए, साफ कर डालिए एंड लेट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू हैप्पी बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ कम. बिकॉज जो भी आपके साथ लाइफ में हो रहा है, आज भी कल भी जो भी हुआ था, उसके लिए हम ही कई हद तक रिस्पॉन्सिबल है. तो किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते और ना ही बोल सकते उस इंसान ने मेरे बारे में बुरा कहा है, सोचा है. नहीं, वो इंसान का भी नज़रिया सोचिए, उसके भी दिल में कुछ चोट लगा होगा या आपको भी गलत समझ सकी या आपको गलत समझ लिए. तो वो चीज़ उसने अगर क्लियर कर दिया ना, वही फर्स्ट चीज़ है कि उसका माइंड साफ है. वो आपके पीछे जाके कई दूसरे चीज़ें के लिए मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है. सो व्हाट टुडे वाज माय टॉपिक वाज वैलिडेशन एंड ईगो, दे आर सो क्लोजली कनेक्टेड. इफ आई वैलिडेट माय सेल्फ देन आई एम हैप्पी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई रियली डोंट, आई वोंट से केयर, बट आई रियली डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट दिस, बट एट द एंड आई एम हैप्पी, राइट. सो किसी और की वजह से मैं क्यों मेरा हैप्पीनेस कोटेंट लाइफ में कम करूँ. सो स्टे हैप्पी एंड I shall come back again genuinely when I come up with some hardcore. See you.